हाय हेलो, आज हम लोग बात करेंगे सोनपुर के बारे में। सोनपुर में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें से पहले नंबर पे आता है माँ लंकेश्वरी टेम्पल। यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं कोई भी टाइम, बस रेनी सीजन को छोड़ के। यहाँ पे जो है मंदिर महानदी के अंदर ही है, पानी के अंदर, तो आप सब बोट में जाइए। और वहाँ पे जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको माता जी का मंदिर ही देखने को मिलेगा। मंदिर इतना बड़ा नहीं है क्योंकि पानी के अंदर है, और रेनी सीजन में जाना वहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लंकेश्वरी माँ का टेम्पल आपको सोनपुर में ही देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे है पाताली क्षेत्र, जो कि वीर महाराजपुर सब डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि सोनपुर से 23 किलोमीटर की दूरी में है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे आपको गुफाओं के बारे में लिखा हुआ बोर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जगह फेमस है गुफाओं के लिए। और यहाँ पे आप ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के बाद आपको बहुत ख़तरनाक व्यू दिखने वाला है। यहाँ पे करीब करीब 5-6 गुफाएँ हैं छोटे बड़े करके, और यहाँ पे आपको एक झरना भी देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा नज़ारा है उस जगह का। उसके ऊपर से आप यहाँ पे सितंबर से लेके फरवरी में आइए, फरवरी के मिडिल ऑफ द फरवरी में यहाँ पे कुष्ठ पूजा भी होता है, बहुत भीड़ होता है उसी टाइम। और यहाँ पे आप ऊपर से देख सकते हो नज़ारा कि पूरा बहुत, यानी कि पास आस का सब जगह दिखता है। और इस पहाड़ का नाम है त्रिकूट पर्वत। तीसरे नंबर पे है खेमो डैम, जो कि बिल्कुल ही पास में है पाताली श्री क्षेत्र के। पाताली श्री क्षेत्र से ये करीब 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो डैम है ये मेन इरिगेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है पास आस में, और यहाँ पे लाइन भी सप्लाई हो जाता है पास आस लोकेलिटी के लिए। ये जो डैम है ये बहुत खूबसूरत डैम है, लिटरली बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, कुछ भी कनेक्ट नहीं है। ये जितने भी पानी आता है सब पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ के पानी से ही ये डैम बना हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा ख़राब चीज़ मेरे को लगा कि यहाँ का रोड जो है वो पूरा का पूरा ख़राब है। इस जगह के वो ज़्यादातर के लोग पिकनिक के लिए प्रीफर करते हैं, तो आप अगर कोई पिकनिक करना चाहता है यहाँ पे आके कर सकते हैं। अगला जो डेस्टिनेशन है वो है रामेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल सोनपुर में ही है, और ये बरगढ़ से 81 और संबलपुर से 82 किलोमीटर की दूरी में है। ये नदी सोनपुर का एक तो बहुत पुराना मंदिर है, और ये जो नदी है ये महानदी और तेल नदी के संगम स्थल में ही है, मतलब संगम स्थल के पास में है। हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है सुबर्णमेरु टेम्पल, वो रामेश्वरम मंदिर के बिल्कुल ही पास में है। और इसी के नाम के हिसाब से पहले जो सोनपुर का नाम था सुवर्णपुर, इसी मंदिर के नाम से ही हुआ था। ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है सोनपुर का, और आज दिन तक लोग लाइक मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि आज दिन तक मंदिर में कुछ भी ऐसा वैसा दिक्कत नहीं हुआ, पूरा जैसा था वैसा ही है। पर ये भगवान शिव जी का मंदिर है। माँ मेटाकाली मंदिर, जो कि उलुंडा ब्लॉक में आता है, ये सोनपुर से करीब 21 किलोमीटर और बरगढ़ संबलपुर से 58 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ पे हर रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं माँ के दर्शन के लिए। और अगर आप सबको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आप सबको दिखा दूँगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं।